सारो प्रणाम, मैं हूं शिखा मिश्रा। सनातन संस्कृति में तन से लेकर आत्मा तक को सबल करने की व्यवस्थाएं हैं, जिनमें कुंभ स्नान और उस दौरान किए जाने वाले उपाय अपना विशेष महत्व रखते हैं। 10 फरवरी को मौनी अमावस्या है, महाकुंभ का महायोग है, इसमें महाउपाय के भी विधान हैं। लेकिन कौन क्या करे, कैसे करे महाउपाय, ये सब अभी जानिए हमारे खास कार्यक्रम के जरिए। सनातन संस्कृति में शुभ मुहूर्त बहुत मायने रखते हैं। जीवन को और आत्मा को महान बनाने में यही वजह है कि प्रयागराज के महाकुंभ में मौनी अमावस्या को सबसे ज्यादा श्रद्धालु पवित्र डुबकियां लगाएंगे। इसके सारे अहम पहलुओं पर हम अपने धर्म विशेषज्ञ से चर्चा करेंगे। पहले जानते हैं इस खास योग की महिमा को। कुंभ का योग चार तीर्थों में 12 साल में 4 बार बनता है। उन तीर्थों में हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक में हर कुंभ में लाखों करोड़ों श्रद्धालु अपने जीवन को धन्य धन्य करने के लिए करते हैं कुंभ स्नान, अमृत स्नान। लेकिन सन 2013 का प्रयागराज का कुंभ पूर्व के सारे कीर्तिमानों को बड़ा कर रहा है, क्योंकि ये 144 साल में आने वाला महाकुंभ है। ये महाकुंभ तब लग रहा है जब अमृत कलश की रक्षा करने वाला ग्रह शनि अपनी उच्च राशि तुला में विराजमान है। ये गंगा
परमेश्वर की एक साथ विराट आराधना संसार को चकित करने के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा को परमात्मा की गोद में बिठाने की सौभाग्यशाली पद्धति है। समय के लिए भोगेंद्र पाठक। और इस वक्त हमारे साथ इसी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है पंडित वैभवनाथ शर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। वैभव जी, सबसे पहले तो हम सब ये जानते हैं कि ये बड़ा ही अद्भुत समय है कुंभ का, और इस वक्त जो कल्पवास चल रहा है वो उतना ही संयोग में है और बड़ा ही अद्भुत है, लेकिन हर व्यक्ति इस दौरान एक संकल्प मन में लेकर के बैठा हुआ है, कई की बहुत सारी कामनाएं हैं, और इन्हीं कामनाओं में अगर हम उपाय की बात कर लेते हैं तो स्थिति और सुलभ हो जाती है उन सभी श्रद्धालुओं के लिए। तो हम जानना चाहेंगे इस महाकुंभ के उन उपायों के बारे में भी। जी देखिए, ये जो मौनी अमावस्या की तिथि है वो बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। यूं तो अमावस्या हर महीने में आती है, लेकिन इस अमावस्या की तिथि के जो स्वामी है वो है महादेव शिव। वो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का सूचक होती है अमावस्या तिथि। तो जीवन में जितने भी कष्ट हैं उनसे मुक्ति पाने का ये बहुत ही विशेष अवसर होता है, हर महीने में मिलता है, लेकिन इस बार ये जो संयोग बन रहा है वो 144 वर्ष बाद बना हुआ बहुत ही दुर्लभ संयोग है, और इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। इसमें हर व्यक्ति स्नान ध्यान तो करता ही है, क्योंकि स्नान और दान की अमावस्या कही जाती है, लेकिन यदि आप अपनी राशि अनुसार इसका उपाय करें तो मुझे लगता है कि आपके मन में जो भी इच्छित संकल्प है उसकी पूर्ति आप बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं। तो हम राशियों की ही बात कर लेते हैं कि किन किन राशियों के हिसाब से क्या कुछ उपाय है कि सुलभ जो फल है वो प्राप्त हो सके लोगों को। जी बिल्कुल, सबसे पहले मेष राशि से आरंभ करते हैं। स्नान दान का तो सबसे ज्यादा महात्म्य है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको अपनी राशि अनुसार कौन से विशेष मंत्र का, राशि मंत्र का जाप करना चाहिए, और स्नान के बाद एक विशेष कर्म ऐसा आपकी राशि के अनुसार कौन सा है जो आप मौनी अमावस्या को निश्चित ही करें। तो सबसे पहले जो आपको करना चाहिए वो ये है कि मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आवश्यक है कि आप स्नान तो किसी भी तीर्थ में अवश्य कर लें। आप वहां प्रयाग में जाकर के कर सकते हैं, अपने भवन के, अपने घर के आसपास, अपने स्थान में रहते हुए कर सकते हैं। वह करने के बाद आपको किसी वयोवृद्ध व्यक्ति की, किसी वृद्ध व्यक्ति की जो अशक्त है, असहाय है, रोगी है, आपको उसकी सेवा करनी चाहिए। अन्न और वस्त्र का दान यदि आप उन्हें करते हैं तो निश्चित ही आपको दैवीय कृपा प्राप्त होती है, और आपकी जो मनोभिलाषाएं हैं, जो भी आकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति होती है। आप किसी वृद्ध आश्रम में चाहें तो आप बहुत अच्छे तरीके से दान कर सकते हैं, या पूरे दिन वहां पे रह करके आप अशक्त लोगों की सहायता और सेवा शुश्रूषा कर सकते हैं, आपको उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अब मैं आपको बताता हूं कि मौनी अमावस्या की तिथि में स्नान और दान और ये सारी पूजा पाठ करने के बाद आपको अपनी राशि अनुसार कौन से विशेष मंत्र का जाप करना चाहिए। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मी नारायणाय नमः, ये आपकी राशि का मंत्र है जिसे आपको कम से कम 108 बार अवश्य ही जाप कर लेना चाहिए। आइए अब बात करते हैं कि वृषभ राशि वाले जातक लोगों को किस प्रकार से मौनी अमावस्या की तिथि का पूरा लाभ लेना है। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता है कि सबसे पहले आप किसी भी तीर्थ में शुभ स्नान कर लें, आप वहां पे एक डुबकी लगाएं, पवित्र स्नान की आवश्यकता होनी चाहिए, और इस मोक्ष कारक पर्व में आपको करना यह है कि आप किसी कन्या को भरपेट भोजन कराएं, यदि संभव हो सकता है तो 9 कन्या को या 7 कन्या को भोजन करा दें। यदि 9 या 7 कन्या संभव नहीं मिल पा रही है तो कम से कम 9 वर्ष की अवस्था की एक कन्या को आप उचित तरीके से भोजन कराएं, लाल वस्त्र दान करें, और उसको कुछ दान दक्षिणा देकर के उसे प्रसन्न करें, और उसका आशीर्वाद और कृपा यदि आप लेते हैं तो निश्चित ही लाभ मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी राशि के अनुसार कौन से विशेष मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। ओम गोपालाय उत्तर ध्वजाय नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको जाप अवश्य करना चाहिए। मौनी अमावस्या की तिथि में आपको निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो वाकई ये बड़े ही अच्छे अचूक उपाय बता रहे हैं हमें वैभव जी, और इस वक्त स्वामी हरिचैतन्य ब्रह्मचारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। हरिचैतन्य जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो समय है वो बड़ा ही शुभ समय है, और इस शुभ समय में अगर हम बात करें शुभ संकल्पों की जो श्रद्धालु करते हैं तो वो कैसे सुलभ और सहज हो सकते हैं। हेलो जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? एक बार प्रश्न जी। हाँ, बहुत धीमी सुनाई पड़ रही है, जरा जोर से बताइए। चलिए,
मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि इस दौरान जो महाकुंभ महायोग है और कल्पवास चल रहा है, बहुत ही अद्भुत संयोग है इन चीजों को देखा जाए। 13 सालों बाद जो है ये महाकुंभ है, ऐसे में लोग मन में कुछ शुभ संकल्प लेकर के बैठे हुए हैं, कुछ अंदर कामनाएं हैं, उसकी पूर्ति हेतु क्या कुछ सुलभ चीजें हैं जो श्रद्धालुओं को बड़ी आसानी से मिल जाए, उन उपायों के बारे में, इसके बारे में जानना चाहेंगे हम आपसे। देखिए, तीर्थराज प्रयाग बहुत ही अद्भुत और विलक्षण घड़ी लेकर के इस महाकुंभ में आया है। वो इसलिए कि विगत 40 वर्षों से शुभ अवसर प्राप्त नहीं हुआ है। सृष्टि की रचना जब से हुई है, उस समय भी ब्रह्मा जी ने यहां यज्ञ किया था और एक मास तक, जिस दिन उनके यहां यज्ञ की पूर्णाहुति थी, वो यही अमावस्या माना जाता है। और हमारे यहां वहिर्वेदी, मध्यवेदी, परावेदी, ये तीन वेदियां ब्रह्मा की हैं। वहिर्वेदी झूसी कही जाती है, मध्यवेदी जहां आज महापुरुषों का यहां आगमन हुआ है, गंगा जी का क्षेत्र है, और परावेदी नैनी की तरफ है, जिसे हम आज अरैल कहा करते हैं। तो अरैल में हम परावेदी मानते हैं। इस दृष्टि से इन मध्य में यह अमावस्या का महापर्व आता है। जिस तरह से हमारे यहां मौनी अमावस्या का पर्व लगता है, या मौनी अमावस्या पे श्रद्धालु लोग स्नान करते हैं, मौन होकर के ही स्नान करने का यहां महापर्व में पुण्य माना जाता है। इस पर्व में मुख्य बात यह है कि जिस समय मेघ राश पे भगवान सूर्य और बृहस्पति आते हैं जी, उस समय। चलिए हरी चैतन्य जी, हम आपसे और भी चाहेंगे बातें जानना और रहस्य भी समझने की कोशिश करेंगे क्या है इस महाकुंभ के महायोग का, लेकिन यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से शुभ संकल्प, जो आपके मन की आकांक्षाएं हैं, वो जो आप इस वक्त करके मन में बैठे हुए हैं, उसमें कहा आप महा उपायों के जरिए उसे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम राशियों के जरिए भी बता रहे हैं। वैभव जी हमें बता रहे हैं, वैभव जी बाकी की राशियों के बारे में भी बताइए जी। अवश्य बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले जातक लोगों को। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को करना ये चाहिए कि पहले तो तीर्थ में स्वयं स्नान करें और फिर ग्रहों की स्थितियों को देखते हुए आपको ये करना है कि किसी वृद्ध व्यक्ति को, अशक्त व्यक्ति को तीर्थ स्नान का लाभ आप दिला सकें, आप उसकी सहायता करें। अगर वो वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं तो किसी भी येन प्रकार आप उनको जल ला करके दें, कुछ भी करें, उनके व्रत को पूर्ण करने में आप उनके सहायक बनिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और जब आप यह प्रक्रिया कर लें तो फिर आपको किसी ब्राह्मण बालक को कुछ अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए, उसे भरपेट भोजन कराना चाहिए, जिसे बटुक कहते हैं। 11 वर्ष से कम की अवस्था के बालक को आप वो दान करें, और उसके साथ साथ ओम क्लिंग कृष्णाय नमः मंत्र का जाप कर लेना, आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाएगा। वहीं बात करते हैं कर्क राशि वाले जातक लोगों को, आपको गौ सेवा करनी चाहिए स्नान के उपरांत, और उसके साथ साथ आपको किसी अशक्त व्यक्ति को
हरी सब्जी का दान कर लेना बहुत अच्छा लाभ दिला सकता है। आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं उस दान से आपको तत्काल लाभ मिलेगा, वो पूर्ण हो जाएंगी। ओम हिरण्यगर्भ अव्यक्त रूपिणो नमः, इस मंत्र का जाप कर लेना आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाएगा। ये आपकी राशि का मंत्र है जिसे मौनी अमावस्या पे आपको कम से कम 108 बार अवश्य ही जाप करना चाहिए। वहीं सिंह राशि वाले जातक लोगों को स्नान के उपरांत सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए और उसके साथ साथ आपको आदित्य हृदय स्रोत का पाठ कर लेना। और जैसा मैंने बताया कि अमावस्या तिथि के स्वामी महादेव शिव है, तो आपको शिव जी की आराधना कर लेना। आप विभिन्न तरीके से महादेव की आराधना कर सकते हैं, उनको प्रसन्न कर सकते हैं, वो करें। और उसके बाद अपने राशि अनुसार मंत्र जो मैं आपको बता रहा हूं, और आपकी सुविधा के लिए टेलीविजन स्क्रीन पर भी आ रहा है, ओम क्लिंग ब्राह्मणे जगदाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना, आपको बहुत अच्छी सफलता दिलाएगा। वहीं कन्या राशि वाले जातक लोगों को स्नान के उपरांत 1, 3 या 5 ब्राह्मणों को ब्रह्म भोज कराना चाहिए, यानी ब्राह्मणों को ससम्मान आप बैठा करके भोजन कराएं, अन्न और वस्त्र का दान कर लें, और उसके साथ साथ यथासंभव जिस भी तरीके से जिस भी माध्यम से आपसे सामर्थ्य के अनुसार आप भगवान श्री गणपति की आराधना करें, गणेश जी की पूजा अवश्य आप कर लें, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपकी जो भी वांछित अभिलाषाएं हैं वो पूर्ण होंगी। ओम नमो प्रेम पीताम्बराय नमः, ये मंत्र जो है वो आपकी राशि अनुसार मंत्र है। गणेश आराधना के बाद इस मंत्र का जाप आपको अवश्य कर लेना चाहिए। वहीं तुला राशि वाले जातक लोगों को आप जब स्नान ध्यान कर लें, जो भी आपकी तिथि का जो महात्मा आप पाना चाहते थे, आपका जो संकल्प था, वो स्नान के बाद कुछ पूरा हो जाएगा। और उसके बाद किसी विवाहित दंपति को, ब्राह्मण दंपति को आप अपने घर पर बुलाएं, अन्न वस्त्र के साथ महिला को आप सुहाग की सामग्री अवश्य दान करें, जिससे मां लक्ष्मी और मां पराम्बा की कृपा आपके ऊपर बनेगी। और उसके साथ साथ आपके लिए जो मंत्र है वो है ओम तत्व निरंजनाय तारक रामाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको जब आप ब्राह्मण ब्राह्मणी को विदा कर लें, उसके बाद आप अपने घर के पूजा स्थान में या उसी तीर्थ क्षेत्र में बैठ करके आप जाप करें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं बात कर लेते हैं कि वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को ऐसा कौन सा उपाय करना चाहिए कि मौनी अमावस्या का पूरा लाभ ले सके। आपको करना यह है कि आप तीर्थ में स्नान करें, आप अगर प्रयाग या त्रिवेणी में स्नान कर सकते हैं, गंगा तट पर स्नान कर सकते हैं, या अपने घर के आसपास जो भी तीर्थ क्षेत्र है आप वहां स्नान कर लें। और उसके बाद आपको करना यह है कि आप एक समय का व्रत करें, और व्रत में आपको ध्यान यह रखना है एक समय भोजन करें, और भोजन में नमक रही चीजें ही खानी है, फलाहार करना है। और उसके बाद आपको करना यह है कि ओम नारायणाय सूर्य सिंहाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। किसी क्षत्रिय व्यक्ति को यदि आप दान करते हैं अन्न और वस्त्र का, खासकर गुड़ और गेहूं का, लाल कंबल के साथ, लाल वस्त्र के साथ, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो चलिए, ये वो तमाम उपाय हैं, महा उपाय कह सकते हैं, क्योंकि महायोग महाकुंभ है, तो इन्हें आप करके अपनी जो आकांक्षा है, इच्छाएं हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, छोटे से ब्रेक के बाद जानेंगे बाकी राशियों का हाल। स्वागत है आपका, और वैभव जी से जानेंगे हम बाकी राशियों के बारे में भी। वैभव जी, बाकी राशियां? जी बिल्कुल, धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है कि आप स्नानोपरांत अपने आचार्य या आपके जो कुलगुरु हो, कुल पुरोहित हो, आप उनकी पूजा अर्चना, उनकी वंदना अवश्य करें, क्योंकि गुरुदेव जो गुरुग्रह बृहस्पति हैं, उनकी शुभस्थ स्थिति को देखते हुए आपको अपने गुरु की आराधना अवश्य कर लेनी चाहिए, और उनको धन अन्न वस्त्र इन सारी चीजों का दान करना चाहिए। यथासंभव यथासामर्थ आप अपने अनुसार कर सकते हैं। और उसके बाद ओम देव कृष्णाय उर्ध दंताय नमः, इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आपको दैवीय कृपा मिलेगी, और दैवीय कृपा से आपके जितने भी बिगड़े कार्य थे वो सिद्ध हो जाएंगे। वहीं मकर राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता है कि किसी शूद्र व्यक्ति को स्नानोपरांत आप कुछ अन्न और वस्त्र का दान करें। आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो उसको अन्न का दान करते हैं या भोजन कराते हैं, उसमें कुछ चीजें सरसों के तेल में बनी हुई नमकीन चीजें अवश्य हो, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और अगर कोई शूद्र व्यक्ति न मिले तो आप अपने साथ में काम करने वाले किसी सहकर्मी को, कर्मचारी को भी बड़े स्नेह के साथ, आदर और सत्कार
प्यार के साथ आप भोजन करा सकते हैं और उसको प्रसन्न करने के लिए कुछ दान दक्षिणा दे सकते हैं, जिससे आपको ग्रहों की अनुकूलता प्राप्त होगी। और उसके बाद ओम श्री वत्सलाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेने से आपकी जितने भी बिगड़े हुए बाधित हुए कार्य हैं वह सब एक एक करके बनने लगेंगे और आपको दैवीय कृपा मिलने लगेगी। अब वही बात कर लेते हैं कि कुंभ राशि वाले जातक लोगों को करना क्या चाहिए। जब आप स्नान कर लें, आप किसी तीर्थ में स्नान कर लें, आप कुंभ स्नान कर लें, आप वहां पे अगर त्रिवेणी में स्नान कर लेते हैं, उसके बाद आप किसी अपंग व्यक्ति को, असहाय व्यक्ति को, पशु पक्षी आदि को अगर आप उनकी सेवा करते हैं, उनके भोजन की व्यवस्था कराते हैं, आप किसी गौशाला में दान करते हैं, तो निश्चित ही दैवीय कृपा से, शनिदेव की कृपा से, जो इस समय उच्चस्थ है और आपकी राशि के स्वामी है, उनकी